वैलेंटाइन वीक मना रहे थे। कबीर भी हाथों में चॉकलेट का बॉक्स लिए अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति के पास जाकर कहता है, हैप्पी चॉकलेट डे माय स्वीट लव। हैप्पी चॉकलेट डे बेबी। ये लो जान तुम्हारे लिए। थैंक यू। अरे ये क्या, तुम्हें पता है ना मुझे डेरी मिल्क की चॉकलेट पसंद है, फिर तुम किट कैट क्यों लेकर आए? अरे बेबी वो स्टॉक आउट हो गई थी, अब खाली हाथ तो नहीं आ सकता था ना। ठीक है चलो क्लास चलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। इतना कहकर प्रीति कबीर के साथ क्लास में जाती है। शाम को कबीर प्रीति को उसके घर ड्रॉप कर देता है। रात को जैसे ही रात का खाना खाकर प्रीति अपने कमरे में जाती है, तभी उसकी नजर कबीर के दिए हुए चॉकलेट बॉक्स पर जाती है और वो बॉक्स को खोलकर खुद से कहती है, वैसे तो मुझे किटकैट चॉकलेट पसंद नहीं है, लेकिन अब मेरी जान ने इतने प्यार से दी है तो खाना तो बनता है, एक निकाल कर खा ही लेती हूँ। इतना कहकर प्रीति बॉक्स में से एक किटकैट चॉकलेट निकाल कर खाती है और कहती है, वाह यार, आज से पहले मैंने कभी इस चॉकलेट को चखा नहीं, पर ये तो कमाल की है। इसका ये क्रिस्पी पन कितना क्रंची है और इसमें कितनी नाप तोल के मिठास है, ये चॉकलेट खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक शाम कबीर प्रीति को पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। प्रीति अच्छे से रेडी होकर कबीर से मिलने के लिए जाती है, तभी कबीर उसे डेरी मिल्क की चॉकलेट देता है। ये देखकर प्रीति बोलती है, बेबी ये क्या, तुम डेरी मिल्क क्यों लेकर आए हो, मुझे किटकैट खानी है, मुझे वो पसंद है। कैसी बातें कर रही हो, हमेशा तो तुम यही चॉकलेट खाती थी, अब मना क्यों कर रही हो? क्योंकि बेबी वो मुझे पहले पसंद थी, अब किटकैट मेरी फेवरेट चॉकलेट हो गई है। वैसे मैं ये कहने आया था कि मैं बहुत जल्द मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ रिश्ते की बात करने के लिए। सच में ये खबर तो किटकैट चॉकलेट से भी अच्छी है। ऐसे ही दोनों काफी देर बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद कबीर अपनी फैमिली के साथ प्रीति के घर आता है और दोनों परिवार आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और एक महीने के अंदर प्रीति और कबीर की शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रीति की सास शर्मिला उससे कहती, अरे बहू कहाँ है तू, जरा यहाँ। जी माँ जी कहिए क्या हुआ? बहू कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, पर इतना मीठा भी नहीं कि होठ ही चिपक जाए। तो माँ जी आप चॉकलेट खाओगी क्या? अरे बहू मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो चॉकलेट खाऊंगी। माँ जी दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि चॉकलेट सिर्फ बच्चे खा सकते हैं? लिखा तो कहीं है पर कहूँ? अरे पर वर छोड़ो, मैं एक मिनट में आई। प्रीति कहती है, ये लीजिए माँ जी आप ये खाइए, आपको अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है। वाह बहू इसका तो स्वाद बहुत अच्छा है, कौन सी चॉकलेट है ये? माँ जी ये किटकैट चॉकलेट है, इसकी मिठास और स्वाद दोनों ही बढ़िया है, मेरा तो ये फेवरेट है। जब भी मीठा खाने का मन करता है ना मैं एक चॉकलेट खा लेती हूँ। मजा आ गया बहू खाकर, एक और है क्या तेरे पास? हाँ माँ जी, कबीर से मैंने पूरा बॉक्स मंगवा लिया था इसका, रुकिए मैं और ला कर देती हूँ आपको। प्रीति दोबारा से अपने कमरे में जाती है और अपनी सास को किटकैट चॉकलेट ला कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। प्रीति से ज्यादा किटकैट चॉकलेट खाने का चस्का अब शर्मिला को लग गया था। वो अक्सर ही सबसे छुप छुप कर किटकैट चॉकलेट खाने लगती है और जब कभी प्रीति घर में कोई काम में बिजी होती तो शर्मिला उसके कमरे से भी किटकैट चॉकलेट चुपके से ले आती। ऐसे ही एक दिन प्रीति कबीर से कहती है, कबीर सुनो ना। जी पहले कहो तो सही, तभी तो सुनूंगा। मेरी सारी किटकैट चॉकलेट खत्म हो गई है, तुम एक नया बॉक्स ला दो। प्रीति अभी एक हफ्ता पहले ही तो लेकर आया था, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? पता नहीं, शायद हो सकता है मैं आते जाते ज्यादा खा गई हूँ। देखो प्रीति इतना ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं है। जानती हूँ, तुम ला दो ना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है ठीक है, ला दूंगा, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। प्रीति कबीर से चॉकलेट मंगवाती पर प्रीति से ज्यादा शर्मिला किटकैट की चॉकलेट को निकाल कर खा जाया करती। ऐसे ही एक दिन प्रीति टिन कर बॉक्स में चॉकलेट रखती है, जिसके कुछ देर बाद जब वो कमरे में आती है और चॉकलेट्स को काउंट करती है तो उसमें 5 चॉकलेट कम होती है। ये देखकर वो खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो एक भी चॉकलेट नहीं खाई, फिर इन चॉकलेट में से 5 चॉकलेट कैसे गायब हो सकती है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पता लगाना होगा कि आखिर मेरी किटकैट को कौन चुरा रहा है, कहीं माँ जी तो ऐसा नहीं कर रही। नहीं नहीं ऐसे बेवजह शक करना गलत है,
पहले मुझे सच का पता लगाना होगा। इतना कहकर प्रीति वापस से किटकैट चॉकलेट का बॉक्स वहीं रखकर चली जाती है। तभी वहां पर शर्मिला आती है और प्रीति की अलमारी से किटकैट चॉकलेट को निकालकर उसमें से जल्दी से काफी सारी चॉकलेट निकालकर कहती है, इतना मजा आता है इस किटकैट को खाने में, जब तक 10-12 चॉकलेट खा लूं मुझे तो चैन ही नहीं आता। अच्छा है जो प्रीति कबीर से किटकैट का पूरा डब्बा मंगवा लेती है और मैं इस चॉकलेट को निकाल कर खाती रहती हूँ, और बहू को लगता है कि वो सारी चॉकलेट खा रही है। चलो अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। कमरे के बाहर खड़ी प्रीति चुपके से अपनी सास की सारी बातें चॉकलेट का डब्बा अलमारी में रख कर वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। जरूरत से ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से शर्मिला के दांतों में कीड़े लग जाते हैं और वो दांत के दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी हाथों में बहुत सारी किटकैट चॉकलेट लिए कबीर और प्रीति शर्मिला के पास आकर बोलते हैं, माँ जी ये लो चॉकलेट, ये खा लो, आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है ना माँ जी, आपने जितनी चॉकलेट चुरा चुरा के खाई है ना, सबका फल मिल रहा है। अरे बहू पागल हो गई है क्या, यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। माँ मैं और प्रीति सब जानते हैं कि आप प्रीति की अलमारी से चॉकलेट चुरा चुरा कर खा रही थी और अब आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। बेटा जब से प्रीति ने मुझे वो चॉकलेट खिलाई थी मुझे उसकी लत लग गई, जिसके चलते मैं ऐसे बेहिसाब चॉकलेट खाती रही, पर अब नहीं खाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, बड़ा दर्द हो रहा है। कबीर और प्रीति शर्मिला को डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं, जिसके बाद प्रीति शर्मिला का खास ख्याल रखती है। साथ ही प्रीति अपनी सास से सीख लेकर लिमिट में ही चॉकलेट खाने लगती है। रिवाना रोड पर खड़ी होकर अपने पति विकी का इंतजार कर रही होती है और आधे घंटे के बाद उसे फोन करके बोलती है, विकी आप कहाँ रह गए, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। बस 5 मिनट में आया मेरी जान। इतना बोलकर विकी फोन रख देता है और कुछ ही देर के बाद रिवाना के पास पहुँचता है, पर रिवाना वहाँ पर नहीं होती, जिसे देखकर विकी से फोन करके उसे बोलता है, यार तुम कहाँ हो, आपके पीछे। विकी फोन रख देता है और पीछे मुड़कर रिवाना को देखता है, साथ ही उसके पास जाकर उससे माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी जान। देखो अब तुम्हारे सॉरी बोलने से ना कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम जानबूझकर लेट आए हो। यार मैं जानबूझकर क्यों लेट आऊंगा, मेरी बाइक खराब हो गई थी सच में। झूठ तो बिल्कुल मत बोलो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं यहाँ पहुँच गई थी ना उसके बाद तुम अपने ऑफिस से निकले थे, इसीलिए तो तुम्हें आने में लेट हुआ है और तुम हमेशा ही झूठ बोलते हो मुझसे। ऑफिस में काम होता है रिवाना, इसलिए इंसान कभी कभी लेट हो सकता है। आई नो ऑफिस में काम होता है, सभी को होता है यार, हो जाते हैं लेट, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे झूठ बोल दोगे, तुम सच भी तो बोल सकते थे ना, और वैसे भी मैंने अकेले शॉपिंग कर ली है, अब तुम अपनी इस खराब बाइक को ठीक करवा के घर जा सकते हो। रिवाना गुस्से में घर चली जाती है और घर आते ही अपने कामों में लग जाती है। विकी भी घर लौट आता है और रिवाना से नाराज होकर अपने कमरे में बैठा होता है। कुछ ही देर के बाद रिवाना की सास कुसुम उसके, मैं तुझे गलत नहीं बोल रही लेकिन विकी तेरा पति है, तुझे उससे यूं नाराज नहीं होना चाहिए और ना तुझे अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, बहुत मुंह फट है तू, और वो तो मैं और विकी तुझे कुछ बोलते नहीं है। माँ जी मैं आपसे एक बात कह देती हूँ कि सच्चाई का सामना करना जितनी जल्दी सीख जाओगी ना वो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। अरे अगर वो मुझे सच बोल देते कि मैं लेट हो जाऊंगा तो मैं ऐसे सुनसान रास्ते पर रात में अकेली नहीं खड़ी रहती, अरे पत्नी हूँ ना मैं उनकी, उनके भी तो कुछ फर्ज बनते हैं ना मेरे लिए। उसकी बातें सुनकर कुसुम बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर के बाद रिवाना अपने कमरे में जाती है और विकी वहाँ पर हार मानकर उससे बोलता है, रिवाना सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा जब इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। ओके मैं मान रहा हूँ अपनी गलती, अब तो ठीक है, अब तो माफ कर दो मुझे। ये बोलकर वो उसके गालों को खींचने लगता है और उससे माफी भी मांगता है। रिवाना भी उसे माफ कर देती है और कुछ ही देर के बाद विकी के फोन पर गांव से उसकी बुआ के लड़के निर्मल का फोन आता है जो उससे बोलता है, हेलो भैया कैसे हैं आप, हम निर्मल बोल रहे हैं, भाभी कैसी हैं और घर में सब बढ़िया। हाँ हम सब ठीक हैं,
और तुम्हारी भाभी भी ठीक है, तो एक बार भाभी जी से बात करवा दीजिए ना। मुझे नहीं करनी बात आपसे। क्यों भाभी जी, आप हमसे नाराज हैं क्या? बात ये है देवर जी कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है। इतना बोलकर वो वहाँ से छत पर चली जाती है और विकी अपने भाई से बात करके ऊपर रिवाना के पास जाकर उससे बोलता है। रिवाना, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, उसको कितना बुरा लगा होगा। वैसे भी जब से वो यहाँ से गया है उसने आज कॉल की थी, और उसमें भी तो उसने आज भी हमारा हालचाल लेने के लिए कोई फोन नहीं किया था। जरूर उसको कोई काम होगा आपसे, तभी कॉल की है। और देखना कल फिर कॉल आएगा उसका, ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। छोड़ो ना। अरे वही तो, ऐसे मतलबी रिश्तेदारों को तभी हमारी याद आती है जब उन पर कोई मुसीबत टूट गई हो। और देख लेना, एक दिन जब आपको उनकी जरूरत होगी ना तो सब अपना पल्ला झाड़ देंगे। विकी रिवाना को मना कर नीचे ले आता है और अगले दिन उसे अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए बाहर ले जाता है, जहां विकी उसे नई नई साड़ियां, चूड़ियां और कुछ मेकअप का सामान दिलवाता है, जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं, जहां वो दोनों निर्मल और उसकी माँ लीला को देखते हैं। ऐसे में अपनी बहू को देखकर कुसुम उससे बोलती है, अरे आ गए तुम दोनों, बिल्कुल सही समय पर आए हो तुम। पता है दीदी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कब से। बुआ जी आपको मुझसे इतना प्यार। नू तो वो तो बहुत मुँह फट से, पर दिल की तो तू घनी साफ से, जहाँ ताई तेरी बात का बुरा को नहीं लगता। कुछ ही देर के बाद रिवाना ना चाहते हुए भी उनके लिए कुछ खाने को ले आती है और सब एक बार फिर से एक साथ मिलकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद लीला रिवाना से बोलती है, अरे रिवाना बहू, मैं क्या कहूँ थी, तेरी बेबे भी तक कितनी प्यारी से, कितनी सुतरी सहवा, क्यों ना तेरी बेबे का रिश्ता मेरे छोरे निर्मल के लिए हो जावे, कितना बढ़िया होगा ना, तू और तेरी बेबे एक के घर में कदे भी मिल सको हो। पर मुझे निर्मल पसंद नहीं है अपनी बहन के लिए, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। देखा विकी जी, मैंने कहा था ना आपको कि ये लोग बस अपने मतलब के लिए हमें याद करते हैं, तभी तो हमारा हाल चाल ले रहे थे। रिवाना की बात सुनकर निर्मल और लीला दोनों तिलमिलाकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद रिवाना की ननद उषा उनके घर आती है और आए दिन अपनी भाभी से नई नई फरमाइशें करती है। तो कभी वो अपने लिए अपने भाई से बोलकर बाहर से खाना ऑर्डर करवाती, तो कभी फिजूल की शॉपिंग करके अपनी माँ के पैसे उड़ाया करती। ऐसे ही एक दिन रिवाना की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, पर फिर भी उषा के कहने पर वो उसके लिए खाना बना रही होती है, तो वही उषा अपनी माँ कुसुम के पास बैठकर अपने ससुराल वालों की बुराई कर रही होती है कि तभी वहाँ रिवाना आती है और उषा से बोलती है, दीदी मैं काफी देर से सुन रही हूँ, आप जैसे बता रही हैं कि आपकी ननद काम नहीं करती, सारा दिन खाट तोड़ती है, तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ कि आप भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपकी ननद है। भाभी वो मेरी नंद है, आपको क्या पता वो वहाँ आ रखी है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। सच में माँ, मैं अपनी ननद से ना बहुत परेशान हो जाती हूँ, एक काम नहीं करती, ऊपर से रौब तो ऐसे जमाती है जैसे यहाँ की राजकुमारी हो। ऐसे तो दीदी जब आप यहाँ आती है तो मुझे भी अपने मायके चले जाना चाहिए। बाहू माना की तो मुँह फट है और तेरे दिल में जो आता है तो वो बोल देती है, लेकिन तुम मेरी बेटी से ऐसे बात करे ना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। माँ जी मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो दीदी के भले के लिए बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं मुफ्त हूँ, लेकिन मैंने जो भी कहा है वो सबके भले के लिए बोला है। अपनी बहू की ये बात सुनकर उसको अपनी ननद लीला की याद आती है कि वो उनके घर पर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आई थी। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि किस तरीके से उसने उसके बेटे को गैर जिम्मेदार से जिम्मेदार बनाया। ये सब कुछ सोचकर कुसुम अपनी बेटी से बोलती है, तू सही कह रही है बहू, उषा बेटा तुझे अपनी भाभी से कुछ सीखना चाहिए और तू यहाँ आ गई। दीदी आप यहाँ मेरे से मिलने आई है ना, अगर मैं ही यहाँ से चली जाऊँ तो आपको कैसा लगेगा। अपनी भाभी की बातें सुनकर उषा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सभी से माफी मांगकर अपने ससुराल वापस लौट जाती है, जिसके बाद रवीना अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गोपी अपनी कृष्ण भक्ति में डूबकर घर के मंदिर के आगे बैठकर भजन गा रही होती है।
ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तभी उसकी माँ वंदना वहाँ आती है और बोलती है, गोपी बेटा बस कर, तेरे मुरारी मान गए, अब जरा मेरी भी थोड़ी मदद कर दे रसोई में। माँ तुम चलो, मैं बस आई। मेरी बेटी की भक्ति और उसके संस्कारों के लिए बस एक योग्य घर मिल जाए मुरारी, उसकी भक्ति भी सफल हो जाए, बस यही चाहिए। वंदना इतना कहकर वहाँ से रसोई में काम करने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर के बाद गोपी भी उसकी मदद के लिए वहाँ आती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और एक मथुरा के बहुत बड़े घर से गोपी के लिए रिश्ता आता है और लड़के का नाम जगदीश होता है, जो कि अपनी माँ यमुना के साथ गोपी को देखने के लिए उनके घर आता है। सभी साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में गोपी नाश्ते की ट्रे लेकर आती है और टेबल पर रखकर सभी के साथ बैठ जाती है, जिसको देखकर यमुना कहती है, देखिए बहन जी, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो हमारा घर संभाल सके। बाकी एक बात और, हम थोड़े नास्तिक हैं, पूजा पाठ और भगवान इनकी बातों से जरा पीछे ही रहते हैं। यमुना की इस बात पर गोपी कुछ बोलने ही जाती है कि उसकी माँ उसे इशारे से चुप करवा देती है। कुछ ही देर में लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं तो गोपी बोलती है, माँ तुमने मुझे चुप क्यों करवाया, उनको बताना चाहिए था ना, भला भगवान से कोई कैसे गुस्सा हो सकता है। बेटी अब तेरी शादी पक्की हो गई है उस घर में, तो तुझे उनके मुताबिक ही चलना होगा। पर माँ मैं अपने कान्हा को नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए, मेरे पति आस्तिक हो या नास्तिक, मेरे ससुराल वाले धर्म पूजा माने या ना माने, लेकिन मैं तब तक कान्हा नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं ये संसार नहीं छोड़ूंगी। हाँ तू ही तो मेरा भाई है। वंदना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। गोपी भी अपने कृष्णा के मंदिर में बैठकर भजन करने लगती है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है। गोपी की शादी जगदीश से धूमधाम से हो जाती है। अपने ससुराल में आकर गोपी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है और सारा काम खत्म करके मंदिर में कृष्णा के आगे बैठकर ढेरों बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन गोपी मंदिर में बैठकर भजन कर रही, पूरा दिन यही बैठी रहती है। तुझे कितनी बार बोला है कि हमारे घर में पूजा पाठ कम होती है, फिर भी माँ जी श्री कृष्ण की भक्ति में मुझे पूरा दिन भी कम पड़ता है और मैं तो यहाँ सारा काम करने के बाद ही आती हूँ। अरे मुझे नहीं जाननी तेरी कोई सी भी कहानी, एक बात जो कह दी सो कह दी। अपनी सास की बातों से गोपी की भक्ति नहीं बदलने वाली थी। वो कृष्णा नाम से अपने दिन की शुरुआत करती और कृष्णा नाम से ही दिन का अंत। ऐसे ही एक दिन उस सास रसोई में दूध को गैस पर रखकर गोपी को आवाज लगाती है, जो कि अपने कृष्णा के ध्यान में खोई होती है। काफी आवाज लगाने पर भी जब गोपी नहीं आती तो यमुना गुस्से से कहती है, आज इसका भूत तो उतार कर ही रहूंगी, जब देखो तब कृष्ण कृष्ण करती रहती है। इतना कहकर यमुना हाथ में एक डंडा लेकर गोपी के पास जाती है और उससे बोलती है, आज अगर ये तेरा कृष्ण जाप नहीं रुकाना तो मैं तुझे मार मार के अधमरा कर दूंगी। माँ जी आपको मेरी भक्ति से क्या दिक्कत है, मेरे कृष्ण हमेशा सबको प्रेम करना सिखाते हैं और आप इतना दुष्ट व्यवहार कैसे कर लेती हैं? आप हमेशा हिंसा का सहारा ही क्यों लेती हैं? लेकिन हाँ याद रखना, मुझ पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे ले, मेरे कृष्णा हमेशा मुझे बचाएंगे। अच्छा तो आज मैं भी देखती हूँ कि तेरे ये कृष्ण जी तुझे कैसे बचाते हैं। यमुना गोपी को डंडे से मारने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जगदीश आ जाता है और अपनी माँ को ऐसा करता देखकर उससे कहता है, रुको माँ ये क्या कर रही हो, इसका दिमाग ठिकाने पे ला रही हूँ। मैंने इसे कितनी बार बोला है कि हमारे घर में भगवान का नाम तक नहीं लेते, फिर भी इसकी पूजा पाठ खत्म ही नहीं होती, सारे दिन हरे कृष्णा हरे राम करती रहती है। माँ हम नहीं करते पूजा पाठ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गोपी को मना करेंगी करने से। अरे उसका तो विश्वास है ना उनमें, तो करने दो अगर वो करती हैं तो। अपने बेटे के सामने गुस्से का घूंट पीकर उस समय तो यमुना कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है, पर आए दिन वो गोपी को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन वो गोपी की भक्ति को परखने के लिए सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और फिर कहती है, अब देखती हूँ कि यहाँ से गिरने से कैसे बचाता है इसको इसका कृष्ण। यमुना वहीं नीचे बैठकर गोपी के आने का इंतजार करती है। कुछ ही देर के बाद गोपी सीढ़ियों से नीचे आने लगती है तो उसकी नज़र सीढ़ियों पर गिरे हुए तेल पर जाती है,
तो वो समझ जाती है कि ये सब कुछ उसके सासू माँ ने किया है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से नीचे आने लगती है और नीचे आकर गिर जाती है। ये देखते ही यमुना उसे उठाने जाती है, जिसके बाद उसको उठाते हुए कहती है, क्या हुआ बहू, तेरे कृष्ण ने तुझे बचाया नहीं? श्री कृष्ण अनजान खतरों से बचाए हैं। मतलब क्या है तेरा, मैंने किया है ये सब? मैंने आपको कुछ नहीं कहा माँ जी, आप खुद जानती हैं कि ये सब किसने और कब किया। गोपी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से यमुना उससे और ज्यादा चिढ़ने लगती है, जिसके चलते वो बोलती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया महारानी का। इसको तो मैं नास्तिक बना कर ही रहूंगी, इसको एहसास दिला कर ही रहूंगी कि जो भी अच्छा बुरा होता है वो हमारे हाथों में होता है, ना कि किसी भगवान या कृष्ण के हाथ में। यमुना अपनी बहू की भक्ति से अब परेशान हो चुकी थी, किसी तरह से भी उसे नास्तिक बनाना चाहती थी, जिसके लिए एक बार वो बहुत ही बड़ा कदम उठाती है और अपनी बहू को मारने की साजिश रचती है। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो सबसे पहले खीर बनाती है, लेकिन गोपी की खीर की कटोरी में जहर मिला देती है। सारे टेबल पर बैठे होते हैं तो वो गोपी को खीर देते हुए उससे कहती है, ले बहू, आज मैंने तेरे लिए बड़े ही प्यार से खीर बनाई है, तो ले खा ले। लाइए माँ जी, पहले मैं अपने कान्हा को भोग लगाऊंगी और फिर उनके सामने ही बैठकर खा लूंगी। गोपी खीर लेकर अंदर चली जाती है और फिर यमुना अपने बेटे से बोलती है, बेटा देखियो, आज बहू की सारी भक्ति निकल जाएगी, जब उसकी जान पर बनेगी उसको कोई भगवान नहीं आएंगे बचाने के लिए। क्या मतलब माँ, ऐसा क्या कर दिया, जल्दी बोलो माँ। वो बेटा ऐसे कि मैंने बहू की खीर में जहर मिला दिया, अब वो जैसे ही खीर खाएगी वैसे ही जहर उस पे असर करने लगेगा, तब उसे समझ में आएगा कि भगवान की कितनी भी भक्ति कर लो वो तुम्हें नहीं बचा सकते। जगदीश अपनी माँ की ये हरकत जानकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है, माँ आप पागल हो, गोपी की जान खतरे में कैसे डाल सकती हो आप, माँ कुछ करने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। जगदीश गोपी के पास अंदर जाने के लिए उठता ही है कि तभी गोपी खाली कटोरी लेकर बाहर आती है और कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, मुझसे खीर गिर गई, आप जरा मुझे दोबारा दे देंगी? गोपी की ये बात सुनकर जगदीश उसको गले लगा लेता है और फिर कहता है, शुक्र है गोपी तुमने खीर नहीं खाई, और शायद तुम्हारे कान्हा ने खाने नहीं दी तुमको, देखो माँ बचा लिया गोपी के कान्हा जी ने उसको। हाँ बेटा मैं समझ गई हूँ, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे नास्तिक बनाने के लिए तुझे मारने की कोशिश करी और उस खीर की कटोरी में जहर था बेटा। गोपी ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी आप तो जान ही गई है कि मेरी कान्हा की भक्ति कितनी ताकतवर है, आज उन्होंने मुझे फिर से बचा लिया, आज उन्होंने आपको गलत और मुझे सही साबित कर ही दिया, अब तो आपकी आँखें खुल गई है ना। गोपी की भक्ति ने अपने ससुराल में उसकी सास और पति की आंखें खोलकर उनको भगवान की भक्ति का स्वरूप दिखाया, जिसके बाद उन्हें भी ये पूरी तरह से विश्वास या उसकी मदद जरूर करते हैं और एक बार फिर तीनों मिलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।